शुरू से अंत तक को भिंडी निकल जाए। देखिए शुरू से अंत तक, देखिए इसका जो है ये क्वालिटी जो है आपको मतलब कि आप इसका तोड़ाई 2 महीने तक कर सकते हैं। आलू भर अब गोभी आप लोग अपने खेतों में उगा सकते हैं। अक्षय सीड सालों भर गोभी के लिए आप लोग के लिए बीज मतलब कि अब उपलब्ध कर दिया है, और अब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग कब अब लगाइएगा। और मार्केट का कोई हिसाब किताब नहीं है कि कौन महीना वाला में पैसा आएगा, इसलिए हम हर महीना के लिए आप लोगों के लिए गोभी जो फूल गोभी का बीज है हम उपलब्ध करा दिए हैं। को नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम कुशवाहा, अक्षय सीड्स कंपनी महाराष्ट्र की ये कंपनी है और ये एक R&D बेस्ड कंपनी है। कंपनी जो भी है अपना प्रोडक्ट खुद तैयार करके जो है कि हम लोग किसानों के बीच में अपना अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए हमारी कंपनी जो है कि सदैव तत्पर है। तो हम आज बक्सर जिला के चौकिया गांव में आज उपस्थित हुए हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ। और आज हम इस वजह से मीटिंग आज करा रहे हैं कि आज इस महीना में कौन सा प्रोडक्ट अभी हम लोग लगा सकते हैं। तो इस महीना में जो है कि आपको आप इस महीना में भिंडी भी आप लगा सकते हैं। ये अक्षय सीड्स कंपनी का ये संपत्ति भिंडी है। इसका जो क्वालिटी है जैसे आप लोग जो राधिका भिंडी लगाते हैं उस टक्कर का ये भिंडी है और इसका फ्रूटिंग जो है कि नज़दीक नज़दीक आता है। ये जो भिंडी है इसका इस भिंडी में और एक ये भिंडी है जो आप लोग नामधारी लगाते हैं, नामधारी जो भिंडी लगाते हैं ये उस टक्कर का होता है और ये पतला पतला होता है और ये डार्क ग्रीन होता है। इसमें जो है कि आपको ये 45 से 48 दिनों में ये तोड़ाई के लिए दोनों भिंडी मतलब कि सेम टाइम इसका सेम टाइमिंग है। तो इसका रेट है 400 रुपया आपको मार्केट में मिलता है और इसका ये 500 रुपया। दोनों भिंडी में ये अंतर है कि ये जो भिंडी है इसका फ्रूटिंग जो नमधारी जैसा भिंडी है उसका दूरी और इसका दूरी यदि आप नमधारी लगाएंगे तो उसमें फ्रूटिंग थोड़ा दूरी बना के देता है और इसमें जो है फ्रूटिंग थोड़ा नज़दीक देता है और उससे भी नज़दीक ये देता है फ्रूटिंग। इसलिए जो है कि दोनों में रेट का अंतर है। जैसे कि आप लोग नमधारी लगाते हैं, नाभिया लगाते हैं, चाहे जो भी कंपनी का आप लोग लगाते हैं तो उसके टक्कर का ये है, और जो राधिका सेगमेंट का है जो कि सबसे अधिक प्रोडक्शन चाहिए तो ये है, इससे थोड़ा ये मोटा होता है। इसका नाम है संपत्ति और इसका नाम है विक्रम। ये दो मतलब की वैरायटी है, आप लोग इसको मतलब कि अभी लगा सकते हैं। और इसके बाद में हाँ बोल, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। शुरू से अंत तक को भिंडी निकल जाए। देखिए शुरू से अंत तक, देखिए इसका जो है ये क्वालिटी जो है आपको मतलब कि आप इसका तोड़ाई 2 महीने तक कर सकते हैं। उससे जो है कि इसका नजदीक नजदीक जो है कि फ्रूटिंग फेंकता है, दोनों में बस यही अंतर है। और वो थोड़ा पतला में होता है और ये मोटा में होता है। अब उसके बाद में हम बताते हैं करेला। अभी आप लोग करेला भी लगा सकते हैं और ये करेला जो है कि ये आपका लंबा में और इतना मोटा ये होगा और ये साइज का होगा। इसका नाम है 701 जो कि ये पाली सेगमेंट आता है उस सेगमेंट का करेला है। हाँ तो आप इसको भी लगा सकते हैं। और ये एक करेला है प्राप्ति, प्राप्ति ये करेला है जो कि प्रगति सेगमेंट का ये करेला है। तो ये मतलब कि दोनों है, इसका जो साइज होता है इस साइज का होता है और पूरा कांटेदार होता है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। और ये है जो है कि नेनुआ, आप इसको भी लगा सकते हैं। इसमें जो है कि 45 से 48 दिन में फ्रूटिंग आता है और ऐसा नहीं है कि लोग क्लाउज लगाते हैं, उससे भी इसमें बेहतर है और ये ज़्यादा मोटापा नहीं होता है, एकदम ये साइज में होता है। उसके बाद में अभी जो रिक्स किसान लेंगे उसमें फूल गोभी भी लगा सकते हैं। आप लोग फूल गोभी का भी मतलब कि इस महीना में जो तत्पर रहेंगे किसान वो मतलब कि अभी मार्च पूरा मार्च इसका नर्सरी गिर सकता है। फूल गोभी जो है हमारा कंपनी एक साल में 4 फूल गोभी वैरायटी लाई है। एक जो है कि आप फरवरी और मार्च में इसका नर्सरी गिरा सकते हैं, ये हिम परी जैसे इनका मार्च में गिरा है। और एक जो है आप इसको फिर जून और जुलाई में लगा सकते हैं हिम परी को। और दूसरा एक मेरा फूल गोभी है आपको सौम्या जो आप लोग वर्षा को भी लगाते हैं उसके सेगमेंट में है। उसके बाद में आप लोग लगाते हैं जो सेंटा और
सरिता, उसके सेगमेंट में हिमांगी फूलगोभी है जो अभी ये जयप्रकाश जी का यहाँ पे कट रहा है, उसके बाद में एक मेरा फूलगोभी है हिमांशु जो वो पीछे किसान बैठ है वो लगाए हुए हैं, वो अप्रैल में उसका कटाई होगा। तो हाँ रोपा गुलबा को पौधा इतना बड़ा बड़ा हो चुका है। तो ये जो है कि आप लोग मतलब कि सालों भर अब गोभी आप लोग अपने खेतों में उगा सकते हैं, अक्षय सीड सालों भर गोभी के लिए आप लोग के लिए बीज मतलब कि अब उपलब्ध कर दिया है, और अब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग कब अब लगाइएगा, और मार्केट का कोई हिसाब किताब नहीं है कि कौन महीना वाला में पैसा आएगा, इसलिए हम हर महीना के लिए आप लोग के लिए गोभी जो फूल गोभी का बीज है हम उपलब्ध करा दिए हैं। देखिए अभी रेट डाउन, देखिए रेट का आप लोग को बात बताते हैं। देखिए कहने का मतलब सुनिए, देखिए बताते हैं, हम लोग जो है कि किसानों का यही सोच रहता है कि हमारा यदि रोज का बाजार है तो ही हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि बस एक ही फसल को भी ये करे फिर मान लेते हैं गेहूं लगा देते हैं, लेकिन इतना अब खेती महंगा हो चुका है, खेती अब हमनी के इतना महंगा हो चुकल बा कि हमनी के अभी सोचे के बा कि हमनी के हमेशा के रोज के बाजार होके जब एकरे से इनकम हमनी के बढ़ुए तो हमेशा अल्टरनेट कोनो ना कोनो फसल लगा के बाजार में हमनी के पहुंचे के बाद तबे हमनी के समाजों के विकास होई। आ जब हमनी के जोन बात दोसर कोई कॉपी कर ले बा तो हमनी के अब अल्टरनेट करब जा जोन की मार्केट से हटके तब हमनी के बेहतर फायदा होई। और केहू के यदि कोनो सवाल बा तो पूछ सकता, अब पूछ बड़का बू कोनो क्वेश्चन कोनो चीज के बारे में दवाई सुन लीजिए आपको बात बता रहे हैं। यदि जिस खेत हाँ बताए तो नहीं, यदि जिस खेत में वैसा प्रॉब्लम 50 ग्राम प्रति टन की ब्लू कॉपर हाँ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आपको आधा पुड़िया सुमसुम पानी के साथ आप उसको स्प्रे कीजिए, सूखने वाला बीमारी खत्म हो जाएगा, और उसपे जो धब्बा आ रहा है वो भी बीमारी खत्म हो जाएगा। उसमें आप एक जंप का पुड़िया मिलाइए जो बायर कंपनी का आता है था, तो ब्लू कॉपर वगैरह में देवे के बाद बैगन भी सूखा था तो ब्लू कॉपर देवे के बाद हमने के मिर्चा भी हाँ बहुत कारगर दवा बा हाँ टमाटर भी बात ओकरो में देवे के बाद जल तो वगैरह पहुंचे के चाहिए। जब हमने के स्प्रे करते नहीं जा तो ऐसा करे के बाद कि पौधा से जड़ तक भी जाए, स्टार्टिंग से ही नीम ऑयल 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमने के स्प्रे करे के बाद में चाहे फूल गोभी होके चाहे टमाटर होके चाहे बैगन होके भाई मिर्चा होके हमनी के रोपाई के 15 दिन बाद से ओकरा के स्प्रे करे चालू कर देवे के बाद यदि हमनी के 3 बार ओकरा में स्प्रे कर देते नहीं जा तो ऊ वाला ओकरा रोग सहे के क्षमता मतलब कि कीड़ा ओकरा पर जल्दी अटैक ना करी, काहे से ओकरा रोग रोग में जो नीम ऑयल बा एकदम प्रवेश कर चुका रही और जौन ओकरा पर चूसे वाला जौन बा ओकरा पर अटैक ना कर पाई, काहे से पहले ही से अपन टीकापन पता में बना दी। फायदा ये हुई कि जौन महंगा महंगा हमनी के कीटनाशक मारत नहीं जा ओकर असर जल्दी खत्म हो जाता, यदि हमनी के पहले ही से नीम ऑयल ओकरा में मरले रह जा कोनो कीटनाशक मारब जा तो तगड़ा ओकर अब काम करी। तो ई चीज भी हम देखनी है कि भिंडी में हमनी के इस चीज से समस्या से जुड़ा तो नहीं जा, फूलगोभी में भी समस्या बा।